हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर के अब लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें होना शुरू हो चुकी हैं और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। इस बैठक के बाद करनाल जिला प्रशासन ने कोरोना के मामलों को रोकने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। मीडिया से बातचीत में डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के लिए 17 टीमों का गठन किया। स्कूल में किसी भी बच्चे या शिक्षक के बिना मास्क के पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बात सुनिश्चित की गई है। वहीं इसके साथ ही ये टीम होली मिलन समारोह और शादी जैसे भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड नियमों का पालन करवाने का काम करेगी। टोटल 17 टीमें बनाई हैं, जो हमारे जिले में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मिला के 780 स्कूलें हैं करीब। तो ये 17 टीमें उन 780 स्कूलों की चेकिंग करेंगी और कोशिश करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर हम सारे की सारी स्कूलों को एक एक बार कवर कर लें। तो मास्क पहनना एक चीज देखेंगे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें देख करके जहां जहां भी गलतियां पड़ी जाएंगी वहां पे फिर हम उनको स्कूल प्रशासन को नोटिस देंगे। तो जितने भी सोशल फंक्शंस हैं इसमें विशेष रूप से आयोजक की जिम्मेदारी रहेगी कि कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स निश्चित रूप से फॉलो हों। अगर नहीं होंगे तो ये हमारी 17 टीमें जा जाके वहाँ पे चालानिंग करेंगी और वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी।